और जो अपने पार्टनर के ब्रेस्ट के साथ खेलना चाहते हैं और उनके साथ साथ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बिना दूध किए भी आप कर सकते हैं, मतलब ब्रेस्ट में कोई दूध नहीं है, मिल्क नहीं है, उसके बाद भी आप क्या हम सक हमारे कर पार्टनर के ब्रेस्ट के साथ खेल सकते हैं, क्या हम पार्टनर के मिल्क को सक कर सकते हैं, क्या पार्टनर के मिल्क को पी सकते हैं, काफ़ी सारे सवाल मुझे आप लोगों के ऐसे मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले, क्या हम ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई गलत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इस टाइप की वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप की और भी वीडियोज़ देखने के लिए, और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो को। चलिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए होता क्या है, जब किसी की नई नई शादी होती है ना तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ पहले से होती है कि जब मेरी वाइफ आई है, मेरा पार्टनर होगा तो मैं इसके ब्रेस्ट के साथ खेलूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल थॉट है और बिल्कुल नॉर्मल है, आपको करना भी चाहिए, आप ये हमारी बॉडी का एक पार्ट है तो ये भी आपको शामिल करना चाहिए, ब्रेस्ट से खेलना, ब्रेस्ट को सक करना, ये सब नॉर्मल है तो आपको जरूर इसको शामिल करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादियाँ हो चुकी है, जिनकी पत्नियाँ माँ बन चुकी है, और जब माँ बनने के बाद जब ब्रेस्ट में दूध आता है, मिल्क आता है, तो जब उनका बेबी सक कर रहा होता है, दूध पी रहा होता है, तो उनको देखकर अपने मतलब पति की भी इच्छा करती है, पुरुष की भी इच्छा करती है कि वो भी सक करे, ब्रेस्ट मिल्क को सक करे, ब्रेस्ट मिल्क को पिए। तो ये क्या ये सही है? तो हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल सही है। आपको क्या होता है, जब एक महिला माँ बनती है तो उसके ब्रेस्ट में दूध आता है तो वो अलग ही टाइप से अट्रैक्शन वाले उनके जो ब्रेस्ट है वो दिखते हैं, और इसके इससे क्या होता है कि पुरुष जो है वो अपनी पत्नी की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा आकर्षक होते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो अगर आप अपनी बीवी को देख रहे हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं और आपका मन कर रहा है तो आप वहाँ पर पी सकते हैं, ये नॉर्मल है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप इतना भी एक्साइटमेंट में इतना भी ज़्यादा शक ना कर लें कि आपके बच्चे के लिए कुछ बचे ही ना, इतना भी ज़्यादा आप ना पी जाएँ कि फिर बच्चा कुछ ना पी पाए, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर प्रेगनेंसी के बाद निपल्स में कट लग जाते हैं, जब बच्चा दूध पीता है तो उसके बाद माँ की जो निपल्स होती है उसमें कट लग जाते हैं, तो जब आप जाएंगे अपनी वाइफ के साथ तो आपको यहाँ पर सॉफ्टनेस का ध्यान रखना है, इतनी तेज़ गति से भी आपको नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें सॉफ्टनेस का आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी पत्नी को पेन ना हो, दर्द ना हो, इन्फेक्शन ना हो कोई भी माँ पर, ठीक है? इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जो जो लोग अभी शादी हुई है और जो अपने पार्टनर के ब्रेस्ट के साथ खेलना चाहते हैं और उनके साथ साथ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बिना दूध ये भी आप कर सकते हैं, मतलब ब्रेस्ट में कोई दूध नहीं है, मिल्क नहीं है, उसके बाद भी आप सक कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारी एक सेक्स लाइफ का हिस्सा होती है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ आ गई हो, वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस टाइप की और भी वीडियोज़ देखने के लिए।